हेलो गाइस, मेरा नाम है सूरज वर्मा। और दोस्तों, ये वीडियो मैं बनाना नहीं चाह रहा था क्योंकि अगेन ये वीडियो दयाशंकर के ऊपर है, पर दयाशंकर ने मुझे मजबूर कर दिया इस वीडियो को बनाने के लिए। दयाशंकर ने एक ऐसी बात बोल दी यार जिसका मुझे बहुत बुरा लगा, और जाहिर सी बात है आप भी वो बात सुनोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, जिसकी वजह से ये वीडियो मुझे बनानी पड़ी इस वक्त। दोस्तों, कुछ कहने या सुनने से पहले मैं चाहूँगा पहले आप ये वॉइस क्लिप सुन लो जो मेरे और दयाशंकर के बीच बातचीत हुई है, उसका एक छोटा सा क्लिप है, इसको आप पहले सुन लो, उसके बाद बाकी की बातें मैं बताता हूँ आपको। तो भाई, बीबी की वाइन्स को भी कैरी मिनाटी ने रोस्ट किया था, तो कोई खास उसने गाली दी थी। देखो, वो बड़े लोग हैं, उनको ज्यादा हजम होता, वो दिल्ली वाले लोग हैं, वो घर में भी गाली यूज करते हैं, ठीक है। दोस्तों, मैं दयाशंकर के ऊपर कोई भी वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था, पर मेरी वीडियोस पर ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, ज़्यादातर कमेंट्स उनके थे जो दिल्ली से थे, उनको ये बात बहुत बुरी लगी। भाई, आप एक यूट्यूबर हो, आपके पास 3 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, आप बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन हो यार, आपको बहुत लोग फॉलो करते हैं, ऐसे में आप ये कैसे बोल सकते हो कि जो भी दिल्ली वाले होते हैं वो घर में भी गाली देते हैं? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। जो भी लोग होते यार, अपने दोस्ती यारी में गाली थोड़ी बहुत चलती यार, पर माँ बाप भाई बहन के सामने तो कोई गाली नहीं देता यार। आपका कहने का मतलब सीधा सीधा यह है कि जो भी दिल्ली में जो भी रहते हैं यार, वो घर में गाली गलौज बुरी तरह से करते हैं। जब मेरे पास बहुत ढेर सारे इस तरह के कमेंट्स आ गए, मैं समझ गया। उसके बाद मैंने ध्यान से जब इस क्लिप को सुना तो मुझे समझ में आ गया, दयाशंकर यार कोई प्रॉब्लम है मुझसे तो डायरेक्टली वो मुझे बोले ना, जो भी प्रॉब्लम है उन्हें मुझसे बोले, पर ये बीच में दिल्ली वालों के लिए ऐसा बोलने की क्या ज़रूरत थी? इससे पहले भी दयाशंकर ने एक बात बोली थी, जब वो सिनेमा देखने जा रहे थे, यानी कि मूवी देखने जा रहे थे, तब उन्होंने ये बात बोली थी, जो लोग भी हॉल में मूवीज़ वगैरह देखने जाते हैं वो लफंगे होते, उनके पास और कोई काम नहीं होता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, अच्छे लोग भी मूवीज़ देखना चाहते हैं। भाई, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, बेशक आप गांव से बिलोंग करते हो, लेकिन अपनी मेंटेलिटी को थोड़ा सा मॉडर्न करो। दया भाई, मैं आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं कह रहा हूँ, आप बस ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि आप इनोसेंट हो और गांव से बिलोंग करते हो तो आप गाली गलौज कुछ नहीं करते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि दिल्ली के लोग ही गाली गलौज करते, बाकी और कहीं के लोग गाली गलौज करते ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने गाँव की बात करता हूँ यार, तो शहर के लोग तो कम गाली गलौज करते, और गाँव के लोग तो, मैं अपने पर्सनल गाँव की बात बताता हूँ, तो यार घर वालों के सामने ही गाली गलौज कर लेते, उनके लिए छोटी सी बात होती है, तो अब मैं क्या बोलूँ, गाँव के लोग सही हैं या शहर के लोग सही हैं? मेरे हिसाब से दोनों लोग अपनी जगह सही है, पर आपके लिए किसी शहर या किसी स्टेट पे ऐसी टिप्पणी करना जबकि आप इतने बड़े यूट्यूबर हो, बिल्कुल बिल्कुल गलत है यार। कईयों को ये बात बुरी लगी, खास तौर पे उनको जो कि दिल्ली से बिलोंग करते हैं। तो मैंने जब ये सुना यार, तो मुझे बहुत बुरा लगा। मुझसे अगर कोई प्रॉब्लम थी दया भाई, तो आप मुझे कहते, मुझे जो भी उल्टा सीधा बोलना था मुझे बोल सकते थे, लेकिन आप पर्टिकुलर किसी भी स्टेट को कुछ भी नहीं कह सकते भाई। वहाँ का रहन सहन वैसा है, वहाँ के लोग मॉडर्न है काफ़ी, तो आप उसके बारे में कुछ भी गलत नहीं कह सकते भाई। मैं बस यही कहना चाहता हूँ इस वीडियो से, जो भी दया के सपोर्टर्स हैं बिल्कुल उनको सपोर्ट, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको लगे कि दया ने ये बात गलत बोली है ना, तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करो। जिनको अभी भी लगता है कि दया ने अभी ये बात सही बोली है, तो वीडियो को वो डिसलाइक करो, ताकि जो भी नया बंदा इस वीडियो को देखे वो वीडियो की लाइक और डिसलाइक से ये समझ जाए यार कि कितने लोग को लगता है दया की बात सही है और कितने लोगों को लगता है कि दया की बात गलत है। बस मैं और कुछ नहीं चाहता, बस ये चाहता, वीडियो को कट करने से पहले लाइक या डिसलाइक छोड़ के जरूर जाना, इससे आपकी भी मेंटालिटी का पता चलता है यार कि आप लोगों को किस तरह से जज करते हो। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता यार, और चैनल पे हमारे नए हो यार तो चैनल को सब्सक्राइब करो, हम बहुत ही मेहनत करते हैं आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की। फिर मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।